हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यू थिंक न्यू आइडिया। मैं रुपेश शर्मा। आज का जो टॉपिक होने वाला है लाइफ के अकॉर्डिंग है और मोटिवेशनल टॉपिक होगा दोस्त। देखते हैं क्या होता है और कैसे होता है। आगे इस टॉपिक को पूरे अच्छे ढंग से समझेंगे और इस टॉपिक को क्लियर भी करूंगा। सबसे पहले तो दोस्त, अगर इस चैनल पे नए आए हो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्त, आज का जो टॉपिक होने वाला है उस टॉपिक को क्लियर करता हूँ। सबसे पहले टॉपिक को देखते हैं कि क्या टॉपिक है, उसके बाद उस टॉपिक को समझेंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से उस चीज को क्लियर भी करेंगे। कहाँ पे प्रॉब्लम होती है और कैसे प्रॉब्लम होती है और उस चीज का सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले तो इस टॉपिक को क्लियर कर देता हूँ। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है उस टॉपिक को क्लियर करता हूँ। लाइफ में, अपनी लाइफ में, ठीक है, अपने लाइफ में अगर आप दुखी होते हो, अगर सीधे सीधे क्लियर कट बात बोलूं तो आज का जो टॉपिक है, लाइफ में दुखी होना छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि लाइफ के अकॉर्डिंग, अपने लाइफ के अकॉर्डिंग दुखी होने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। और क्या क्या प्रॉब्लम होती है और कैसे कैसे प्रॉब्लम होती है इस चीज को समझेंगे और पूरे ही अच्छे ढंग से समझे कहाँ पे प्रॉब्लम होती है और कैसे कैसी प्रॉब्लम होती है। ठीक है दोस्त, तो इस चीज को समझेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या क्या होता है लाइफ में। जो दुखी होना होता है, अगर लाइफ के अकॉर्डिंग आप सैड हो, दुखी हो, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो आज इस चीज को समझेंगे कि उस चीज का जो सॉल्यूशन होता है, कैसे उस चीज से बाहर निकला जाए और उस चीज को कैसे अपने आप से दूर रखा जा सकता है। तो आज इसी के बारे में समझेंगे और बहुत ही डिटेल में जानेंगे। ठीक है दोस्त, सबसे पहले शुरू करते हैं कि कहां से प्रॉब्लम चालू होता है। ठीक है, अगर कोई भी एक इंसान है, सपोज दैट, अगर सीधी सी बात कहूं तो एक किसी भी मतलब कि ऑब्जेक्ट को ले लो, जैसे कि राम है। ठीक है, अब उसका प्रॉब्लम कहाँ है कि क्यों दुखी होता है और कैसे दुखी होता है और इस चीज का प्रॉब्लम कहाँ हो सकता है और कैसी कैसी प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले तो इस चीज को समझते हैं कि लाइफ में जब आप दुखी होते हो ना, अगर लाइफ में आप दुखी होते हो तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है कि अगर आप दुखी होते हो तो हर चीज से दुखी हो जाते हो, अपने वर्क से। ठीक है, क्योंकि लाइफ में अगर दुखी होता है इंसान तो अपने वर्क से भी दुखी होगा, अपने रिलेशन में भी दुखी होगा, हर चीज कनेक्टिंग टू ह्यूमन बॉडी जिस चीज से होती है एक इंसान, उस हर चीज से दुखी होना शुरू हो जाता है उस चीज का। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ होती है। सबसे पहले अगर दुखी होता है तो हर अच्छी चीज भी बुरी होती है। अगर आप उसको कितना भी अच्छा से अच्छा कोई काम बता दो, कितना भी अच्छा से अच्छा बातें बता दो, अच्छी से अच्छी कुछ भी उसके साथ कर दो, उस इंसान के अकॉर्डिंग उसका माइंड और थिंक के अकॉर्डिंग हमेशा सेटअप हो चुका है और हो जाता है, उसके बाद इंसान हमेशा दुखी ही रहता है। ठीक है यार, सबसे ज्यादा इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, अपने माइंड में इस चीज का सेटअप हो जाता है कि मैं दुखी हूं, मुझसे ज्यादा किसी को दुख नहीं है, मुझसे ज्यादा किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्त एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में, अगर इस दुनिया में रहते हो तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम होती है, अगर तुम अपना दुख, ठीक है, जो भी अपना प्रॉब्लम है किसी और को बताते हो ना, तो इस चीज का हमेशा अपने माइंड में सेटअप रखना कि वो दूसरा इंसान हमेशा तुम्हारे प्रॉब्लम का, तुम्हारे जो भी कंडीशन होता है, जो भी सिचुएशन होता है, उसके अकॉर्डिंग
हमेशा मजे लेता है, ठीक है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम है तुम किसी और को शेयर किए। अब ये जरूरी नहीं होता है कि 100 में 95% ऐसे इंसान तुमको मिल जाएंगे जो तुम्हारे प्रॉब्लम का मजाक बनाते हैं, तुम्हारे दुखी होने का मजाक बनाते हैं और उस चीज का प्रॉफिट भी उठाना चाहते हैं और लेना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर इस दुनिया के अंदर तुम अपना दुख किसी और को बताते हो तो इतना तो ध्यान रखना कि सामने वाला 100% कन्फर्म है कि तुम्हारा मजा लेने वाला है, क्योंकि बहुत ही ऐसे कम इंसान है जो तुम्हारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे, और नहीं तो वहां पे तुम्हारा तो मजाक बनना ही बनना है, ठीक है। तो बस जस्ट किडिंग फॉर लाइफ हो जाएगा तुम्हारे को, ठीक है, तुम्हारा लाइफ ही हर किसी के अकॉर्डिंग मजाक बन जाएगा और मजाक बन के ही रह जाओगे, ठीक है। तो इसमें जो सबसे प्रॉब्लम होती है अपने माइंड को, अपने थिंक को सेटअप करना होता है कि अगर तुमको प्रॉब्लम है, अगर तुम दुखी हो, तुमको दुख है, कष्ट है, कुछ भी है, तो इस चीज को हमेशा याद रखना, तुम खुद देखना, इस चीज को एनालाइज करना और ऑब्जर्व करना, तुम्हारे अगल बगल इधर उधर जितने भी इंसान रहते हैं, ठीक है, तुमसे ज्यादा ज्यादा प्रॉब्लम उनको भी होती है, ठीक है, तुमसे कहीं ज्यादा प्रॉब्लम सामने वाला रहता है लेकिन तुमसे ज्यादा खुश रहेगा, ऐसा क्यों? और 100 में ऐसा अप्रोक्स 20% ही ऐसा होता है कि एक इंसान कितना भी प्रॉब्लम में हो, कितना भी दुखी हो, फिर भी ऑलवेज हैप्पी रहेगा, ठीक है, क्योंकि उस इंसान का और आपके साथ दोनों का कंडीशन और सिचुएशन सेम है, बट थिंक और मेंटलिटी के अकॉर्डिंग बहुत ही डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। क्योंकि दोस्त लाइफ है, एक चीज हमेशा याद रखना अपने लाइफ के अकॉर्डिंग, कि अगर जिंदगी में हर ख्वाहिश पूरी हो जाए, अगर हर ख्वाहिश जिंदगी में पूरी हो जाए तो जिंदगी जीने का मजा नहीं होता, अधूरी ख्वाहिश तो जिंदगी जीने का मजा देती है, ठीक है। तो इस चीज को आप हमेशा याद रखना और अच्छे से समझना कि मैंने क्या बोला, फिर से एक बार क्लियर करता हूं इस चीज को, अधूरी ख्वाहिश जिंदगी जीने का मजा ही देती है, ठीक है, क्योंकि दोस्त जिंदगी में हर ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होती। तो इस चीज का हमेशा आप सेटअप करके चलो अपने थिंक को, अपने सोच को, कि कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, क्योंकि दोस्त एक चीज हमेशा तुम इस चीज को एनालाइज करना और ऑब्जर्व करना, बहुत ही अच्छे से आप समझना कि अगर तुम दुखी होते हो ना, अगर तुम्हारा माइंड दुखी है, तुम्हारा दिमाग दुखी है, तुम दिल से दुखी हो, तो आप हर अच्छी चीज में कभी भी वहां पे अच्छा नहीं कर सकते हो, क्योंकि दोस्त जब माइंड डिस्टर्ब हो, जब इंसान ही डिस्टर्ब हो, तो उसका कोई भी डिसीजन सही हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर अपने लाइफ में नहीं दुखी होना है, इस चीज को बंद करना है, तो अपना थिंक चेंज करो, अपना सोच चेंज करो, अपनी मेंटेलिटी चेंज करो कि मुझसे बड़ा दुखी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। तो यार दोस्त एक बात याद रखना, तुमसे भी ज्यादा प्रॉब्लम है और तुमसे भी ज्यादा दुखी इंसान इस दुनिया में रहते हैं और तुम्हारे अगल बगल मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्योंकि लाइफ का दो ही पहलू होता है, ठीक है, लाइफ में हमेशा दो ही पहलू होता है,
कोई इंसान दुखी रहता है, कोई इंसान सुखी रहता है, दोनों एक दूसरे का कनेक्टिंग है। अगर दुख है तो सुख होगा, अगर सुख है तो दुख होगा। तो इस चीज से लाइफ में कभी भी घबराना नहीं चाहिए और कभी भी इस चीज से डरना नहीं चाहिए, ठीक है। तो लाइफ के अकॉर्डिंग हमेशा बी पॉजिटिव, हमेशा थिंक पॉजिटिव रखो, सोच पॉजिटिव रखो, तुम पॉजिटिव रहो, हमेशा अच्छा ही होगा, ठीक है दोस्त। तो जो भी यहाँ पे अगर अच्छे से समझ पाओगे कि अगर दुखी हो, अगर दुखी किसी भी वजह से होते हो, अगर किसी भी वजह से तुम दुखी होते हो तो उसका सॉल्यूशन ढूंढो कि इस चीज से बाहर कैसे निकल सकता हूं। आई नो दैट जब उस चीज को समझोगे और एनालाइज करोगे तो कोई ना कोई सॉल्यूशन तुमको मिल ही जाएगा और वहां से तुम बाहर निकल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर एक चीज हमेशा याद रखना, अगर दुखी होने का रट लगाओगे, जाप करोगे कि मुझसे ज्यादा दुख किसी को नहीं है, तो आई नो दैट 100% कंफर्म है कि तुमसे ज्यादा दुख किसी को होगा भी नहीं, ठीक है। तो इस चीज का जो भी कंडीशन होता है, जो भी सिचुएशन होता है, अपना मेंटलिटी थिंक है, अपना सोच है, आप क्या सोचते हो, कैसे सोचते हो, उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट होता है, ठीक है। तो यार दोस्त हमेशा इस चीज को याद रखना, कुछ भी हो, कुछ भी करते हो, उससे कोई मैटर नहीं करता, हमेशा पॉजिटिव रहो। जो भी है लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम है, जिसके भी अकॉर्डिंग तुम दुखी हो या कोई भी वजह हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई सॉल्यूशन ही ना हो। अगर आप उस चीज के बारे में एनालाइज करोगे, ऑब्जर्व करोगे, जब उस चीज को ढूंढोगे, समझोगे, उसके मिड पॉइंट तक जाओगे, तो आई नो डेट 100% सॉल्यूशन जरूर मिलेगा, ठीक है दोस्त। अगर आप इस चीज को समझ रहे हो तो अच्छे से समझना, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अगर आप अपने थिंक, अपने सेटअप को जब चेंज करोगे ना, तो कभी भी लाइफ में दुखी नहीं रहोगे, ठीक है। क्योंकि अपना दुख किसी को दिखाने जाओगे या तो मजाक बन के ही रह जाओगे वहां पे, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन ढूंढो, किसी के बोलने से, किसी के बताने से, या तुम किसी के जाके रोना रोओगे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो तुम्हारा कोई हेल्प नहीं करता, कोई मदद नहीं करता। वहां पे 100% श्योर हूं और कंफर्म हूं कि वहां पे तुम्हारा मजा लिया जाएगा और तुम्हारा मजाक ही बनाया जाएगा, ठीक है दोस्त। जो भी प्रॉब्लम हो अपने अकॉर्डिंग सॉल्यूशन ढूंढो, कॉन्फिडेंस लाओ, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाओ, अपने आप को एक्टिवेट करो, मोटिवेट करो, कॉन्फिडेंस जनरेट करो। आई नो दैट 100% हर प्रॉब्लम से बाहर निकल पाओगे, ठीक है दोस्त। तो आज का जो टॉपिक था यहीं पे समाप्त होता है। सबसे पहले तो अगर दोस्त अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं भी फॉलो करना चाहते हो तो अबाउट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, तुम वहां से फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले तो दोस्त एक दोस्त आज के लिए बस इतना ही। आज का जो टॉपिक था, आज का जो कॉन्टेंट था, यहीं पे समाप्त होता है। कल फिर मिलूंगा एक नए कॉन्टेंट, एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।